दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो 11th या 12th में स्टडी कर रहे हैं, वो भी साइंस लेके। तो अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स केमिस्ट्री से भागते हैं, खासकर केमिकल रिएक्शन से, क्योंकि उन्हें ये डिफ़िकल्ट लगता है। अगर आपके केस में भी ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि इस वीडियो के अंत में आप खुद ही बोलेंगे, साइंस में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं ऐसा मटेरियल दूंगा जिसे आप नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप उस नोट से आप 80-90% के केमिकल कन्वर्सन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिस में काम आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले घंटे को भी दबा दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, केमिकल कन्वर्सन को मैंने 3 स्टेप में डिवाइड किया है। पहला स्टेप, कोई भी कंपाउंड हो सबसे पहले उसे डबल बॉन्ड के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब ये कंपाउंड बहुत तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली अगर बात करें तो एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं CH3, CH2, CH3। कुछ कंपाउंड के ब्रांच में CL, OH, BR एक्सेट्रा लगा हुआ रहता है, जैसे कि CH3, CH2, CH2 और CH2 में CL। ऐसे कैसे ब्रांच के बॉन्ड को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा ताकि वो कार्बन से अलग हो जाए। उसके बाद सेकेंड वाला कार्बन एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और वो दोनों डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। तो पहले स्टेज में क्या था कि सबसे पहले किसी भी कंपाउंड को डबल बॉन्ड में लाना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप का नाम दिया है मैंने एडिशन ऑफ BR। एडिशन ऑफ BR में हमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जो डबल बॉन्ड को ब्रेक करे और BR को उसमें ऐड कर दे। खैर, इन सारे कंपाउंड के बारे में जिक्र करूँगा कौन सा कंपाउंड का वर्क फंक्शन कैसा है, लेकिन अभी पहले स्टेप वाइज देख लेते हैं, फिर हम कन्वर्सन को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं स्टेप नंबर 3। प्रीवियस स्टेप में हमने किया था कि डबल बॉन्ड को ब्रेक करके उसमें BR को ऐड किया था। इस स्टेप में BR को रिमूव करना है विथ रिस्पेक्ट टू रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपकी गिवन क्वेश्चन है, उस कंडीशन में आपको BR को रिप्लेस करवाना है और यही 3 स्टेप में आपका कन्वर्सन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे कन्वर्सन 4-5 स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन जनरली ये 3 ही स्टेप है जिसे मैंने अभी बताया है। तो अभी तक हमने सीखा कि किसी भी कन्वर्सन को कंप्लीट करने के लिए हमें मेनली 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। और वो तीनों स्टेप किस तरह से काम करती है, डबल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ BR के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक चार्ट है। ये चार्ट देख लीजिए। इस चार्ट को मैंने 6 स्टेज पर डिवाइड किया हुआ है। पहला स्टेज, कंपाउंड में OH को ऐड करना है ऑन द रिमूवल ऑफ BR। इसके लिए हमें चाहिए AgOH। नंबर 2, डबल बॉन्ड ब्रेक करके BR को ऐड करना है तो हमें HBr की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें HBr की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी कंपाउंड के ब्रांच में OH है तो उसको रिमूव करके डबल बॉन्ड लाने के लिए हमें चाहिए पॉन्क H2SO4। अब बारी है नंबर 4 की। अगर किसी कंपाउंड में CL है, जैसा कि प्रीवियस कंपाउंड में OH था, तो CL को रिमूव करने के लिए और डबल बॉन्ड लाने के लिए हमें चाहिए KOH। KOH की मदद से हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं। नंबर 2 में हमने सीखा था कि किसी भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करके अगर हमें BR ऐड करना है तो हमें HBr की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे BR2 भी हमें हेल्प कर सकता है। इन द केस ऑफ BR2 यहाँ पे 2 BR का एडिशन होता है इन केस ऑफ BR2। और नंबर 6 को मैंने स्पेशल केस नाम दिया है क्योंकि ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले कुछ सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमें कन्वर्ट करना है प्रोपीन टू प्रोप एन वन ऑल, तो सबसे पहले प्रोपीन का कंपाउंड को हम लिख देते हैं CH3CH2। अब याद करते हैं हम पहला स्टेप। स्टेप नंबर 1 में हमने सीखा था कि अगर किसी भी कंपाउंड के ब्रांच में CL हो, OH हो, BR हो, तो उसको रिमूव करके डबल बॉन्ड में लाना है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में ना तो ब्रांच में कुछ लगा हुआ है बल्कि ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो अब हम फॉलो करते हैं स्टेप नंबर 2 का। स्टेप नंबर 2 में हमने सीखा था कि डबल बॉन्ड को तोड़ के BR को ऐड करना है। ये काम 2 कंपाउंड कर सकता है, HBr एंड BR2।
तो दोनों केस में डिफरेंस को भी हमने सीखा था। तो दोनों केस में हम देख लेते हैं क्या होता है। अगर हम Br2 से रिएक्ट करते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से कंपाउंड मिलेगा। दोनों ही कार्बन कंपाउंड में हमें Br का एडिशन मिलेगा। जबकि अगर हम HBr से रिएक्शन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा CH2 और उसमें उसके ब्रांच में Br। तो जाहिर सी बात है हमें इस कंपाउंड में एक Br का एडिशन चाहिए। तो यहाँ पे Br2 लेना बुद्धिमानी वाला काम नहीं है। तो हम लेते हैं HBr को, तो हमें रिजल्ट मिलता है CH3CH2CH2Br। स्टेप नंबर 3 में हमने जाना था कि Br को किस तरह से रिमूव करना है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हमें बनाना है प्रोपेन 1-ol। ol मीन्स होता है अल्कोहल, दैट इज OH। OL इंडिकेट करता है OH को जो कि अल्कोहल है, और 1 इंडिकेट करता है OH के पोजीशन को कि ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो फाइनली हम रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, हमें लाना है प्रोपेन से प्रोपेन 1-ol। इट मीन्स अगर हम Br के जगह पर किसी तरह से OH को ऐड कर देते हैं तो हमारा कन्वर्शन पूरा हो जाएगा। डायटमीन्स रिक्वायरमेंट क्या है कि Br को हटा के OH को ऐड करना। तो अब हमें ऐसे कंपाउंड से इसका रिएक्शन कराना पड़ेगा जिसमें OH लगा हुआ हो, जैसे AgOH। तो फाइनली रिएक्शन के बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है वो है प्रोपेन 1-ol ऑन द रिमूवल ऑफ Br। और ये Br Ag से मिलके AgBr बना देता है। तो इस तरह से हमारा कन्वर्शन पूरा हो गया। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हमें कन्वर्ट करना है 1-bromopropane to 2-bromopropane। इट मीन्स केमिकल फार्मूला में अगर हम देखें तो हमें कन्वर्ट करना है CH3CH2CH2 और उसमें Br लगा हुआ हो। इसको कन्वर्ट करना है हमें 2-bromopropane, CH3CH उसमें Br, उसके बाद फिर से CH, हमें इस तरह से लाना है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 को अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने सीखा था कि किसी भी कंपाउंड के ब्रांच में अगर BrClOH है तो उसको रिमूव करके डबल बॉन्ड लाना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं Br का एडिशन है इसके ब्रांच में, तो इसको रिमूव करना है। तो इस केस में Br को रिमूव करके डबल बॉन्ड में लाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इथेनॉल की। इस पॉइंट को याद रखिएगा, Br को रिमूव करके डबल बॉन्ड लाना है तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इथेनॉल की। ओके, तो फाइनली हमें जो कंपाउंड मिलता है इथेनॉल से रिएक्शन के बाद वो है CH3CH2। उसके बाद आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2 है एडिशन ऑफ Br। तो यहाँ पे हमने पिछले भी कन्वर्शन में सीखा था कि एडिशन ऑफ Br दो तरह से हो सकता है, Br2 से और HBr से। बट इन दिस केस हमें Br2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी HBr। तो HBr के रिएक्शन के बाद हमें मिलता है CH3CH के नीचे Br और फिर CH3। तो इस तरह से हमारा कन्वर्शन पूरा हो गया 1-bromopropane to 2-bromopropane। तो यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि पिछले कन्वर्शन में हमने जब HBr से रिएक्शन करवाया था तो Br का पोजीशन फर्स्ट कार्बन में था, बट इन दिस केस यहाँ पे मिडिल वाले कार्बन पर Br का एडिशन हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जब कभी भी हम HBr से रिएक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट वाले कार्बन पर Br का एडिशन नहीं होता है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पहले कन्वर्शन की, उसमें HBr का एडिशन फर्स्ट वाले कार्बन पर हुआ था जो कि था CH3CH2CH2Br। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा कारण है जिसके वजह से Br का एडिशन पहले वाले कार्बन पर हुआ, पहले नंबर के कार्बन पर हुआ? तो यहाँ पे डिफरेंस है इसके कैटलिस्ट पर। यहाँ पे रिएक्शन में ओनली HBr पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे बेंजोइल फ्री ऑक्साइड को ही लेना पड़ेगा, तभी Br का एडिशन पहले वाले कार्बन पर होगा। तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि Br का एडिशन हम पहले वाले कार्बन पे कराएं या फिर उसके बगल वाले कार्बन पर कराएं? ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें क्वेश्चन से ही पता चलेगा। यहाँ पे गिवन क्वेश्चन है प्रोपेन 1-ol जो OH कंपाउंड का एडिशन होगा ऑन द रिमूवल ऑफ Br, वो Br कार्बन नंबर 1 पे रहेगा। और कार्बन नंबर 1 पे हमें Br को ऐड करने के लिए हमें चाहिए HBr बेंजोइल फ्री ऑक्साइड। वहीं अगर हमें गिवन क्वेश्चन रहता प्रोपेन 2-bromopropane to 2-ol
तो इस कंडीशन में हमें चाहिए था कि बी आर को हम दूसरे नंबर के कार्बन पर ऐड करें, ताकि हम दूसरे नंबर के कार्बन के बी आर को रिमूव करके उसमें ओ एच का एडिशन कर पाते। तो चलिए आते हैं दूसरे कन्वर्सन में। यहाँ पे देखते हैं 2-bromopropene मीन्स बी आर का एडिशन दूसरे नंबर वाले कार्बन पर हुआ है। तो इस केस में हम क्या लेंगे, बी आर बेंजोइल ट्रायोक्साइड या फिर ओनली एच बी आर? जाहिर सी बात है एच बी आर को लेंगे, ताकि बी आर का एडिशन मिडिल में हो सके। तो फाइनली हमें प्रोपीन से जब हम एच बी आर का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है 2-bromopropene, और इस तरह से हमारा कन्वर्सन पूरा हुआ 1-bromopropene टू 2-bromopropene। तो दोस्तों ये 3 स्टेप से आप बहुत सारे केमिकल कन्वर्सन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेशल कन्वर्सन की जो ये तीनों स्टेप को फॉलो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल कीटोन, हम जानते हैं कि कीटोन में ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें कन्वर्सन करना है CH3Br से प्रोपेनॉल तक। प्रोपेनॉल इस कंपाउंड के नाम से हमें ये पता चल रहा है कि इस कंपाउंड में कीटोन का एडिशन हुआ है। ओके, तो हमारे पास है CH3Br और हमें कन्वर्ट करना है CH3C के ऊपर डबल बॉन्ड O आगे CH3। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कार्बन है और जबकि गिवन कंपाउंड में ओनली सिंगल कार्बन है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें 2 कार्बन का एडिशन कर दे। तो जब कभी भी कीटोन का केस आए तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें CN ऐड हो जाए। तो दोस्तों CN ऐड करने के लिए हमें चाहिए एक कंपाउंड जिसका नाम है NaCN। जब हम CH3Br को रिएक्शन करवाते हैं NaCN से तो हमें मिलता है CH3CN और उसके साथ में NaBr जो कि माइनर है, उसको हमें नहीं देखना है। तो अब जो हमारे पास कंपाउंड है वो है CH3CN, जिसको हमें कन्वर्ट करना है CH3C डबल बॉन्ड O आगे CH3। तो हमारे पास अब हमें चाहिए एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो इसके लिए हमें रिएक्शन करवाना पड़ेगा CH3CN को H2O से, जो कि हमें दे देगा CH3COOH। तो अब हमें 2 कार्बन कंपाउंड भी मिल चुका है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी मिल चुका है और साथ ही साथ OH भी मिल चुका है। तो अब बात ये एक लास्ट स्टेप की, इस स्टेप को हमेशा याद रखिएगा, कैसे नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ाया जाए, और खासकर ये कीटोन में हमेशा यूज होता है और इसका नाम है CaOH का होल 2। OH का होल 2 से हमें ये पता चलता है कि CA में 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन एटम है। तो जाहिर सी बात है अगर हम OH को रिप्लेस करके CH3COOH को ऐड करते हैं तो ये दोनों मिलके 4 हो जाएंगे और इस तरह से कार्बन की संख्या में वृद्धि होगी। तो फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलता है वो है कुछ इस तरह से, और इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। इसका अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से कार्बन की संख्या इंक्रीज हुआ है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 कार्बन, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले 2 कार्बन था और CaOH के होल 2 के रिएक्शन के बाद ये 2 से 4 हो गया। तो अब हम इस कंपाउंड को ड्राई डिस्टिलेशन कर देते हैं तो फाइनली जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वही हमारा रिजल्ट होगा, दैट इज प्रोपेनॉन। और माइनर कंपाउंड जो हमें मिलेगा वो है CaCO3। तो स्पेशल स्टेप में हमने ये सीखा कि किस तरह से कार्बन को इंक्रीज किया जाता है और कीटोन में कन्वर्ट किया जाता है। ये कन्वर्सन आपको काफ़ी पेचीदा लगेगा लेकिन एक दो बार रिवाइज करने के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वीडियो के लास्ट में कुछ मैं नोट्स दूंगा जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा किसी भी केमिकल कन्वर्सन को पूरा करने के लिए। तो ये रहा वो नोट्स। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने नोटबुक में सारा कॉपी कर लीजिए, और मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ। जो भी कंपाउंड या फिर बॉन्ड रेड कलर में है वो रिमूव होगा और जितने भी ग्रीन कलर में है वो एडिशन है, मींस वो ऐड होगा। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड को रिमूव करने के लिए और बी आर को ऐड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एच बी आर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड जो है वो है रेड कलर में और बी आर जो है वो है ग्रीन कलर में। इट मीन्स ग्रीन कलर यानी बी आर ऐड होगा और बॉन्ड जो कि रेड कलर में है वो ब्रेक होगा, और इसके लिए हमें चाहिए एच बी आर। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट। आप
वीडियो को पॉज कीजिए और सारा कुछ नोट कर लीजिए। और ये चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती है, इसलिए आप तो 10 बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके बाद आप नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।